हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआरपी स्टडी। माय नेम इज केकेशर और मैं आपको इस चैनल पर इंग्लिश टीच करने के लिए आया हूँ। मैं आपको दोनों ही वर्जन में आपको बताऊंगा, इन इंग्लिश एंड इन हिंदी, दोनों में ही आपको समझाने का प्रयास करूँगा। आप समझने का प्रयास कीजिएगा। आने वाला जो DRDO का एग्ज़ाम है उसमें डिप्लोमा रहेगा, ITI रहेगा, तो आप दोनों ही एग्ज़ाम का अच्छी तरह क्वालिफाई कर सकते हैं। उसमें जो इंग्लिश आने वाली है हाई स्कूल और इंटर स्टैंडर्ड की रहेगी, और उसमें जो टॉपिक्स हैं मैं क्लियर आपको कर दूंगा, आप आसानी से समझ लेंगे और आप एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर पाएंगे। आज का जो पहला टॉपिक है ये रहा आपका द आर्टिकल। तो मैं आर्टिकल के बारे में आपको बता दूं, आर्टिकल है क्या। इंग्लिश लैंग्वेज में तीन प्रकार के आर्टिकल होते हैं। देर आर थ्री आर्टिकल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, ए एन द, ये तीन हैं। इनको इंग्लिश में जो ग्रामर है उन्होंने क्या किया है कि इसमें आपका दो भागों में इनको बांटा है, यानी कि काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। इट्स मीन्स दे आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। वन नंबर है आपका, ये रहा आपका काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स, ये रहे आपके काइंड्स। पहला काइंड्स है इसमें आपका इनडेफिनिट आर्टिकल। जो इनडेफिनिट आर्टिकल है उसमें आपके दो आते हैं, ए और एन, ये आपके दो आते हैं। फिर सेकंड रह जाता है, सेकंड ये है आपका डेफिनेट आर्टिकल, ये रहा डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, किसी भी चीज को निश्चित कर देता है यह आर्टिकल, तो इसको कहते हैं द। नाउ आई टेल यू हाउ कैन यू यूज दीज आर्टिकल्स इन सेंटेंसेस। और मोस्टली इनका जो प्रयोग होता है वो नाउन जो होता है उससे पहले किया जाता है, और फ्रेज नाउन को भी यह इंडिकेट करता है, तो दोनों जगह इसका प्रयोग किया जाता है। अब आपको ये बताता हूँ मैं कि आप इसका प्रयोग कैसे करेंगे, आखिर ए एन कहाँ लगाना है, द कहाँ लगाना है, कुछ रूल्स हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई टेल यू, ओके। ये रहा फर्स्ट इनडेफिनिट आर्टिकल ए एन, डेफिनिट आर्टिकल द, ये समझ गए होंगे, ये काइंड्स हैं इसके। अब हम टीच करते हैं कि आपको लगाना कैसे है, कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, रूल्स के अकॉर्डिंग आप समझते जाइएगा। तो पहला नंबर हम डालते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल, ये रहा आपका एन डेफिनिट आर्टिकल, ये रहा आपका पहला, यानी कि इनडेफिनिट आर्टिकल। इसमें दो मैंने आपको बताए थे, ये रहे आपके ए और एन। अब इनका यूज कैसे करना है वो आपको मैं बताता हूँ। तो रूल नंबर वन, ये रहा आपका रूल, आसानी से आप देखते जाइएगा, समझते जाइएगा, आप वहां पर आसानी से प्रयोग भी कर पाओगे। रूल नंबर वन में क्या है, जब किसी सेंटेंस में, जब किसी सेंटेंस में किसी एक सिंगुलर नाउन की बात हो, यानी एक वस्तु, व्यक्ति, जानवर का संकेत हो, जब किसी सेंटेंस में किसी एक जानवर, वस्तु या फिर व्यक्ति का संकेत हो तो ए एन लगाएं। आपको इन दोनों में से एक ही लगाना है, या तो ए या एन। अब कहाँ लगाना वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन खास बात जो मैंने आपको बताई इस रूल में ये है कि जब कोई एक वस्तु, एक व्यक्ति, एक जानवर ऐसा उसमें ऐसा हो तो आर्टिकल ए या एन अवश्य लगता है, ये बात फाइनल है।
तो अब हम कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं कि आखिर ये कैसे क्यों लगता है और ना लगाएं तो क्या हो जाता है। अगर आप वाकई इन आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करोगे तो वह सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल्स के जरिए। ये रहे आपके एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर वन देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। आई हैव बुक, यह हमने लिख दिया, ऐसा लग रहा है मेरे पास पुस्तक है। हिंदी वर्जन से हम सोच रहे हैं कि मेरे पास पुस्तक है तो ये की जरूरत नहीं, जब हम हिंदी में नहीं बोल रहे हैं तो हम इंग्लिश में ही क्यों लगाएं। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप एक वस्तु की बात कर रहे हैं तो जो इंग्लिश ट्रांसलेशन जब उसका होता है तो आर्टिकल मस्ट होता है, इसलिए ये सेंटेंस तो आपको रहा रॉन्ग, ये रॉन्ग रहा। अब हमको इसको सही करना होगा। आई हैव अ बुक, अब ये सही हो गया, यानी कि दिस इज राइट नाउ, दैट इज रॉन्ग। इफ यू डोंट यूज ए एन बिफोर सिंगुलर नाउन दैट विल बी रॉन्ग। इट्स मीन्स आर्टिकल्स आर मस्ट। ये बुक रहा, यहाँ ए लगा दिया, सही हो गया। बुक है, यहाँ छोड़ दिया तो ये रॉन्ग हो गया। तो आपके समझ में आ गया होगा, जैसे कि आप आई मेट बॉय इन द मार्केट, ये रहा आई मेट बॉय इन द मार्केट। ओके, इसमें लिखा हुआ है कि मैं मार्केट में लड़के से मिला, लेकिन आप समझ लीजिए आपका ये जो है आप सिंगुलर यानी एक लड़के का संकेत हो रहा है, तो आई मेट ए बॉय इन द मार्केट, ये रहा रॉन्ग और ये रहा राइट। ये तो बात ये हो गई कि आखिर हमको आर्टिकल लगाना ही लगाना है। अब इसमें दो आर्टिकल हैं, ए और एन। अब ए कहाँ लगाना है, एन कहाँ लगाना है, मोस्टली आपने पढ़ा होगा कि जब वोवेल से शुरू होता है कोई भी वर्ड तो फिर हम वहाँ एन लगा देते हैं, और अगर वहाँ वोवेल से शुरू नहीं है तो फिर हमें ए लगा देते हैं। जनरली आपने बचपन से पढ़ा है, लेकिन मैं बता दूं आपको, वोवेल होने पर भी आपका कभी कभी ए नहीं आता, एन नहीं आता है। तो वो कंडीशन क्या है मैं वैसे ही बता देता हूँ, वोवेल भी आपके उसी में आ जाएंगे और बाकी सब जो समस्याएं वो भी दूर हो जाएंगी। तो वन कंडीशन आई टेल यू, आपको क्या करना है, जैसे हमको ए और एन लगाना है, ओके, ये और ये। अब इसमें क्या देखना है, जैसे आप देखते थे कोई भी वर्ड है वोवेल से शुरू है तो एन लगा दो, और अगर कॉन्सोनेंट से शुरू है तो ए लगा दो। ठीक, आज मैं क्लियर कर देता हूँ कि आपका रॉन्ग हो सकता है, और अब मैं बता दूँ वैसे आप अगर उसको करेंगे तो आपका रॉन्ग नहीं होगा, आप आसानी से उसको सही तरीके से कर पाओगे। तो आप देखिएगा, जैसे आपको एन लगाना है, एन तो देखें आपका अ से अंगहा मैं उच्चारण, ओके, ये रहा हिंदी वर्जन। आई टेल यू इन इंग्लिश, इफ वर्ड प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट्स द साउंड ऑफ आर टू अंग है, दैट इज मीन्स यू कैन यूज एन, श्योरली यू विल यूज देयर एन, ओके। एंड सेकंड है ए, ए दिस मीन्स का से ज्ञान तक, का से ज्ञान मैं उच्चारण, ओके, का से ज्ञान में उच्चारण आएगा तो फिर क्या करना है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो अब हम ए को कहाँ लगाना है वो बताता हूँ, का से ज्ञान मैं उच्चारण, अगर आपका उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड इन का टू ज्ञान, दैट मीन्स आई टेल यू अकॉर्डिंग टू एग्जांपल्स,
देखिएगा आपका जैसे बर्ड लिखा हुआ है बॉय, ये बॉय लिखा हुआ है, ये जो आया बा बकरी आया, ये बा है का से ज्ञान के बीच में आता है, इसका मतलब हमको ये लगाना होगा। ओके, जैसे आपका आता है एप्पल, इसका पहले हिंदी में हम प्रोनाउंसिएशन निकालेंगे तो होगा एप्पल। तो एप्पल आप समझ रहे हैं ए, यानी कि ये आ से अंगे में आया, इसका मतलब ये है आपको ए नहीं एन लगाना है। ये तो वही बात जेनुअन कि आप जानते हैं कि ये आपका वोवेल से शुरू है तो फिर एन आना ही आना है। तो मैं आपको एक और कंडीशन में बता दूँ, देखिएगा आपका अब हार्ड देख लीजिएगा, हार्ड यूज आप देखना आपका वोवेल होगा लेकिन प्रयोग आपका एन नहीं होगा। देखिए ये रहा आपका वन आइड बॉय, ये वन आइड बॉय है, वो वोवेल है ना वन, लेकिन वोवेल होने पर भी यहाँ पर आप एन लगा नहीं सकते, एन लगाने पर आपका हुआ रॉन्ग। समझ में आया, अगर आपने एन लगा दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा, जबकि आपको लग रहा है कि यहाँ पर वो है तो एन लग जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये आखिर रॉन्ग क्यों होगा, तो मैंने आपको बताया था पहले हिंदी उच्चार निकालिएगा, इसको हिंदी में पढ़िएगा वह न आ गया, ये वाह है, वाह आता है कासे ज्ञान में, जब कासे ज्ञान में आता है तो एन आने का सवाल ही नहीं है, तो फिर आपका ये आएगा ए, ए वन आइड और ये रहा बॉय, ये हो गया राइट। आ गया समझ में, इसी प्रकार आप एक और देख लीजिएगा, आप वो लिखता है आपका एन यूनिवर्सिटी, एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अब आप देखिए ये भी रॉन्ग हो गया आपका, वोवेल वाला रॉन्ग हो रहा है, ये यू से आपका बिगनिंग है इसकी, लेकिन फिर भी यह एन रॉन्ग है, क्योंकि इसको पढ़ने पर हमारा या आता है यू, जब यू आता है तो फिर हमको यहाँ पर ए लगाना होगा है, तो हमारा अब ये सही हो जाएगा ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो ये रही आपकी बात, यानी कि आपको लगाना आ गया कि हमें बाबिल देख के नहीं लगाना है, बल्कि हिंदी का उच्चार देख के लगाना है कि ए लगेगा या एन। ये रही आपकी एक कंफ्यूजिंग वाली बात जो आप गलत कर सकते थे, एग्जाम्स में मोस्टली आपको मिलेगा एक या दो क्वेश्चंस मिल जाते हैं, लेकिन ऐसा अगर आया तो आपको ऐसे ही प्रयोग कर। कुछ उच्चारण ऐसे होते हैं जो आप जानते ही नहीं है तो फिर करेंगे कैसे, देखिए अब वो देख लीजिएगा है, जैसे आपका ये रहा आवर, ये रहा अनेस्ट, ये आवर है ये अनेस्ट, जब हम इनका उच्चार करेंगे इसको पढ़ेंगे आवर, इसको पढ़ेंगे अनेस्ट, तो भूल से भी इनको आप इसको हावर और इसको हनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, अगर आप हनेस्ट पढ़ें तो फिर लगा नहीं पाएंगे, तो इससे पहले आइए दोनों जो लिखे हैं इनसे पहले हम आप लगाएंगे, जैसे आपका एन और इसके पहले भी एन, यानी कि प्रोनाउंसिएशन अगर उसका ऐसा है तो आपको ऐसा प्रयोग करना होगा। अब बात आती है दूसरे रूल की है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कहाँ ये एन प्रयोग करते हैं, रूल देखें, जब सेंटेंस में व्हाट प्लस नाउन, व्हाट के तुरंत बाद नाउन आया, नाउन आए तो नाउन से पहले ए एन लगाएं, यह रहा दूसरा, ये सेकंड रूल है आपका, दिस इज सेकंड रूल, और मैंने आपको बता दिया कि जब
वॉट प्लस नाउन, ये वो सिंगुलर नाउन होना चाहिए। चलिए मैं इंडिकेट कर दे रहा हूँ, सिंगुलर नाउन होना चाहिए, उससे पहले आपको आर्टिकल ए आई एन जरूर लगाना होगा। एग्जाम्पल देख लीजिएगा आप, वॉट और ये खाली जगह हो गई, आइडिया यू हैव, ये रहा है, ये आपके सामने एग्जांपल है। और आपने एक एडवर्टाइज देखा होगा, उसमें टीवी बोला व्हाट एन आइडिया सर जी, तो वो भी एडवर्टाइज में भी आपका एन साथ में बोलता है, वो बिना एन के नहीं बोलता है, व्हाट एन आइडिया सर जी है। तो यहाँ भी ऐसा ही है, ये आपको करना होगा एन, और अगर यहाँ दा आपने फिल कर दिया तो रॉन्ग हो जाएगा, ए फिल कर दिया तो भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ये जरूरी है कि आपका यहाँ पर आपका इसी प्रकार सिंगुलर नाउन और आ जाए, जैसे कि आपका नोट में लिखे दे रहा हूँ, जैसे मैनी, ओके, फिर उसके बाद प्लस नाउन पूरा ही लिख दे रहा हूँ, सिंगुलर नाउन, ओके, सिंगुलर नाउन, ये रहा मैनी प्लस सिंगुलर नाउन। तो नाउन से पहले ए एन लगाएं, यहां भी ऐसा ही करना है। आप देख रहे हैं मैनी है, मैनी बहुत के लिए आता है, तो मैनी बहुत के लिए अगर यहाँ प्लूरल नाउन हो जाएगा तो ए आई एन नहीं लगाया जाएगा। इसमें मैं आपको बता दूं, जैसे एग्जांपल में मैनी, ये रहा आपका एग्जांपल, मैनी बॉय, मैनी बॉय हैज गॉन आउट, ये लिखा मैनी बॉय हैज गॉन आउट, तो दो कंडीशन है, ये तो रॉन्ग हो गया पहली बार। अब इसको हमको सही करना है, तो मैनी ए बॉय, एक तो ये कंडीशन है, has gone out। अब ये क्वेश्चन बताएगा कि आपको क्या करना है। अगर क्वेश्चन में आपका यहाँ have है, जैसे कि आपका मैनी और ब्लैंक्स कर दिया, ओके, यहाँ दिया बॉय और फिर उसके बाद है इज ब्रेव, जैसे आपका ये लिख दिया, अब हमको इसमें फेल करना है, तो नेचुरली वे में आपका ए बॉय हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, इधर इज है, ये सिंगुलर का संकेत करती है, ये बॉय सिंगुलर है इसलिए ए ही रहेगा। अब उसमें लिख दिया ऐसे करके, देखिए आप कैसे रॉन्ग होता है, मैनी बॉयज, फिर आपका यहाँ पर ब्लैंक्स करेगा, मैनी बॉयज गॉन आउट ऑफ द रूम, ये रही आपकी, देखिए मैनी बॉयज यहाँ सिंगुलर नहीं है, जब सिंगुलर नहीं है तो ए एन का सवाल ही नहीं उठता, तो यहाँ तो ब्लैंक्स होने का सवाल नहीं, ओके, यहाँ ब्लैंक्स हो गया तो ये प्लूरल बन गया, प्लूरल हो गया तो इसमें आपका ये वर्ब थर्ड है, तो यहाँ पर हम फिल करेंगे है। तो ये रही कंडीशन आपकी, ये यानी कि इस प्रकार एग्जाम में ये दोनों ही जो एग्जाम्पल हैं वो बहुत ही ज़्यादातर एग्जाम्स में मिलते हैं। ये मैनी के बाद बच्चा ये चक्र आ जाता है कि मैनी के बाद तो प्लूरल आता है, ये क्वेश्चन ही रॉन्ग छपा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैनी के बाद सिंगुलर नाउन है तो आपको ए आई एन का प्रयोग करना होगा, ये बात आपकी तो क्लियर हो गई, ओके। अब हम चलते हैं दूसरे आर्टिकल पर, ओके, इसे आप आसानी से कर सकते हो, ए आई एन का प्रयोग कहाँ लगाना है। अब आप दूसरी तरफ चलते हैं, ये हमारा सेकेंड आ गया, सेकेंड है हमारा डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल में है दा, दा गया, ओके। अब दा को हमको लगाना सीखना है, तो आप डायरेक्ट सीख लिएगा रूल नंबर वन, बता दे रहा हूं, जब किसी सेंटेंस में एसडी को बोला जाता है सुपरलेटिव डिग्री, जैसे टॉल है टॉलर टॉलेस्ट,
जो टॉलेस्ट है वो सुपरलेटिव है, एच डी हो तो एच डी से पहले ता लगाए, पहले ता लगाए लीजिए, एक रूट खत्म हो गया, यानी एच डी होगी तो दा लगाना है। देखें आप एग्जांपल में, रमेश इस और खाली जगह कर दी, कॉलेज स्टूडेंट इन द क्लास, ये आप देख लीजिएगा ये सुपरलेटिव डिग्री है, ई एस टी लगा के बनती है, लेकिन कहीं कहीं मोस्ट लगा के भी बनती है। तो यहाँ आप फिर करेंगे द, उसमें ऑप्शन दिए होंगे ए, एन भी दिया होगा, द भी दिया होगा और यहाँ नन भी लिखा होगा, तो आपको ए एन द और नन में से एक फाइंड करना होता है, तो एक आपको निकालना कौन सा है, ये द निकालना है, वही द यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ओके, वन रूल इज क्लियर। ये रहा सेकंड रूल, जब सेंटेंस में, जब सेंटेंस में देखिए फेमस बिल्डिंग हो, यानी कोई प्रसिद्ध इमारत आई है, रिलीजियस बुक यानी कोई धार्मिक पुस्तक आई है, रिवर आई है यानी कि नदी, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर कोई समाचार पत्र आया है, या फिर इस दुनिया में एकल जो वस्तु है वो आई है, जैसे सन, सूरज, स्काई, आकाश, और आप जानते हैं पृथ्वी यानी कि अर्थ, इतने इसमें जो लिखे गए हैं उन सबसे पहले दा का प्रयोग होता है, से पहले, सॉरी मैं हाँ तो दा का प्रयोग अवश्य करें, दा का प्रयोग आपको अवश्य करना है। देख लीजिएगा इनमें से कोई भी आए, प्रसिद्ध यानी फेमस बिल्डिंग का मतलब होता है ताजमहल, लोटस टेम्पल, रेड फोर्ट यानी लाल किला। रिलीजियस बुक में आप आ जाइए, गीता है, रामायण है, बाइबल है, कई सारी पुस्तकें हैं। रिवर में आ जाइए, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी है, और ये न्यूज़पेपर आ जाइए, अमर उजाला है, दैनिक जागरण है। इंग्लिश में आ जाइए, टाइम्स ऑफ इंडिया है और इंडियन एक्सप्रेस है, कई न्यूज़पेपर चल रहे हैं। सन आप जानते हैं जो हमें विटामिन डी प्रदान करता है, तो उसे कैसे भूल सकते हैं, ये सन रहा। स्काई जो हमारी मतलब छतरी बन के काम करता है, उसे भी नहीं भूल सकते। अर्थ पृथ्वी जो जिस पर हम रहते हैं, उसे तो भूलने का कोई सवाल ही नहीं है। हो तो दा का प्रयोग अवश्य करें, तो आपको क्या है, दा अवश्य लगाना है। अब एग्जांपल्स देख लीजिए, इसमें बस एग्जांपल्स की ज़रूरत भी नहीं है, आप आसानी से समझ गए होंगे, फिर भी एग्जांपल देखें। ताजमहल इज ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग ये रहा, ये देखिए आपका यहाँ पर ए लगा, फिर आपके दिमाग में एक प्रश्न उपज रहा होगा, यहाँ ए क्यों लगा, यहाँ दा क्यों नहीं हो रहा, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ एक इमारत की बात कर रहा है, एक इमारत संकेत दे रहा है, इसलिए यहाँ ए का प्रयोग है, जो कि मैंने अभी पहले रूल्स में बताया था, ए एन जब पढ़ाया था, इसमें आपका दा लगाएंगे, आप इसमें दा का प्रयोग जरूर करेंगे, क्योंकि ताजमहल वर्ल्ड वाइड यानी वर्ल्ड फेमस बिल्डिंग है, उससे पहले दा आना अवश्य है। ओके, ये देखिएगा फेमस बिल्डिंग हो गई, ऐसी रिलीजियस बुक होती है जैसे रामायण,
इज फिर उसके बाद एक होली बुक ओके ये रहा रामायण इज ए होली बुक तो यहाँ भी आप दा का प्रयोग करेंगे। इसमें भी एक बात और बता देता हूँ, ये जो होली लिखा है तो आप दो वर्ड होते हैं, एक होता है एच ओ एल आई और एक होता है एच ओ एल वाई ओके। जब ये दो वर्ड आए तो आप समझे, कभी कभी स्टूडेंट्स हैं वो गलत कर देते हैं, होली की जगह ये लिख देते हैं, होली की जगह ये लिख देते हैं। ये है फेस्टिवल वाला होली यानी त्योहार, और ये है पवित्र वाला यानी कि जब हम पवित्रता की बात करते हैं तब होली लगाया जाता है। ये भी कंफ्यूजन आपको मैंने बता दिया। तो रूल नंबर टू क्लियर हो गया, बाकी सब आप लगा सकते हैं, द सन द स्काई द अर्थ ओके, और रिलीजियस बुक लगा दी, रिवर है द गंगा है द यमुना है ओके, इस प्रकार आप इस रूल को कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सीख लीजिएगा, जल्दी जल्दी से सीख लीजिएगा जिससे आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। और इस समय आपका मैं रूल नंबर थर्ड पे चलता हूँ ओके। रूल आप नंबरिंग मुझे ध्यान देगा, आगे बढ़िए। तो देखिएगा रूल नंबर नेक्स्ट, इसमें क्या है मैं आपको बता दूं, जब सेंटेंस में किसी व्यक्ति को किसी दूसरे नाम से बुलाया जाए, जब सेंटेंस में किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का नेम दिया गया हो तो मिलने वाले नेम से पहले पता लगाना है। जो आपको नाम मिल रहा है तो वो जो मिलेगा नाम तुम्हारा नाम नहीं, उससे पहले तो किसी नाम से पहले तो आना ही नहीं है आर्टिकल, तो उस नाम से पहले नहीं बल्कि जो तुमको नाम मिलेगा यानी जो पदवी तुमको दी जाएगी वो ही आप उससे ही पहले दा लगाएंगे। एग्जांपल देखें, आप फेमस एग्जांपल्स हैं आपके जैसे कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अभी ये रॉन्ग है, कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास इंडिया के रहने वाले हैं, कालिदास इज द पर्सन हु लिव्स इन इंडिया एंड शेक्सपियर इज द अदर पर्सन यानी फॉरेन पर्सन। शेक्सपियर इज ए ग्रेट ड्रामेटिस्ट, इसलिए इसका प्रयोग हमने इसमें कर दिया, यानी कालिदास को शेक्सपियर माना गया, तो कालिदास को जो नाम मिला है वो शेक्सपियर का मिला है, इसका मतलब शेक्सपियर से पहले ता रहेगा। तो ये रहा आपका ऐसे और इज ता और शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ये हो गया सही। तो आप समझ गए होंगे ऐसे ही होता है, जैसे सूरदास इज द मिल्टन ऑफ इंडिया, वहाँ ऐसे हैं। कुल मिला के किसी को कोई नाम मिलेगा तो वहां पर दाखा प्रयोग होगा। ये रहा आपका अगला रूल, देखिए जल्दी जल्दी से सीख लिया। जब हम किसी भी व्यक्ति पर जोर डालकर बात करते हैं, किसी वस्तु पर जोर डालकर बात करते हैं, किसी जानवर पर, तो जिस पर जोर डाला जा रहा है उससे पहले भी डालेगा। जब सेंटेंस में किसी व्यक्ति जानवर वस्तु पर जोर दिया जाए तो दा लगाने हैं। देखिए दा लगाने, अब हमको दा लगाना है, किसी वस्तु व्यक्ति जानवर पर जोर दिया जाए तो दा लगाना है। देखिए दा लगाते हैं, एग्जांपल है This is a boy who helped me. ये लिखा This is a boy who helped me. तो ये wrong है। यहाँ पर क्या, ये है वही लड़का है,
यानी दिस इज ए बॉय, लड़के पर प्रेस कर रहे हैं हम, यानी दबाव डाल रहे हैं, तो यहाँ आएगा ये रहा पढ़ते। अब आप आसानी से कर सकते हो, जब कहीं पर किसी पर दबाव डाला जा रहा है तो आप समझना वहाँ पर दा का प्रयोग हो रहा है। अगले रूट पे चलते हैं, समझ में आ रहा होगा आपको। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम टेलिंग यू इन ईजी वे। आइए आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ये रहा रूल नंबर नेक्स्ट, जब कोई व्यक्ति जानवर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो, तो उससे पहले दा लगाएं, लेकिन उसका नाम नहीं होना चाहिए, व्यक्ति होना चाहिए। जैसे आपका खाली जगह कर दी मैंने, बता दे रहा हूँ, कारपेंटर इज मेकिंग अ टेबल। ये अब आपको इसमें खाली जगह भरनी है तो इसमें दा भर देंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग है, इसलिए यहाँ पर दा का प्रयोग होगा। ठीक, समझ गए होंगे आप। जब कोई व्यक्ति जानवर यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो फिर वहाँ पर हम दा का प्रयोग करेंगे। अगले रूल पर चलते हैं दोस्तों, जल्दी जल्दी से आपको बता दे रहा हूँ, आप सीख जाएंगे। आप देखिएगा, जब कोई व्यक्ति वस्तु जानवर क्वेश्चन वर्ड के बगल में हो, तो उससे पहले दा लगाएं। ओके, दा का प्रयोग करना है हमको उससे पहले। जैसे आई नो ए गर्ल हु वेंट टू टेंपल। ये रहा आपका, ये रॉन्ग है अभी, ये रहा क्वेश्चन वर्ड। ऐसे करेक्टर प्रयोग हुआ है तो इससे पहले यहाँ पर आपका गर्ल आया है जो कि एक पर्सन है, तो यहाँ पर हम दा का प्रयोग करेंगे। ओके, ये वाला रॉन्ग था, अभी इसको लगा दिया तो ये हो गया राइट। तो इस प्रकार दा आप लगा सकते हैं, और आसान तरीके से आपको बता रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा आपके। और अगला रूल बताता हूँ मैं, देखिएगा, जैसे आपका कहीं पर रूल नंबर नाइन, जब किसी स्थान का प्रयोग हो यानी प्लेस, तो उससे पहले दा लगाएं। ये रहा आपका, जब कहीं पर कोई भी प्लेस आता है, किसी भी सेंटेंस में प्लेस होगा तो आप वहाँ पर, जनरली आपने क्लासों में भी पढ़ा होगा, इन द क्लास है, ए इन द कवर्ड, ऐसे करके आप पर ये देखिएगा आप, एग्जांपल, ही इज प्लेइंग इन एक खाली जगह फील्ड। अब हमको इसमें फिल करना है तो ये हो गया दा। ओके, जैसे आपका मैंने बता दिया ये फील्ड है, राम इज रीडिंग खाली जगह बुक, उसके बाद इन फिर खाली जगह क्लास। अब यहाँ दो आर्टिकल भरने हैं, दो खाली जगह हो गई,
तो आपको क्या करना है, यहाँ भरना है ए और यहाँ भरना है डा। इस प्रकार आप भर सकते हो, आसानी तरह आसान तरीके से आप कर सकते हो। एग्जाम में आपका आर्टिकल सही आएगा और कुछ चीज़ें आर्टिकल की रह गई हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देता हूँ। ये अब यहीं मैं इसको समाप्त करता हूँ और आप एमआरके स्टडी जो चैनल है उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे औरों को भी लाभ मिल सके, बेनिफिट मिल सके। ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।